दिल्ली एमसीटी का डेट सेट पे डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ आपको टाइप कर देना है एमसीटी। एमसीटी टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है http://www.mcityonline.gov.in। इस वाले सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू का बटन दबा देना है। अगर आप नॉट एमसीटी, अगर आपकी नॉट एमसीटी लगती तो आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक कर लेना है। सिंपल यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू का बटन दबा देना है। देखिए ये आ गया NDMC, नॉट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना होगा अगर आपकी नॉट दिल्ली लगती है। ऐसे ही आपको साउथ दिल्ली, आपकी एमसीटी साउथ दिल्ली की लगती है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सेम पहले की तरह आपको रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ वाले कॉलम पे क्लिक कर लेना है। ऐसे आपको ईस्ट दिल्ली से है तो आपको ईस्ट दिल्ली पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे भी आप कंटिन्यू बटन दबा देना। यहाँ पे ईस्ट दिल्ली का अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट ईस्ट दिल्ली से आता है तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे भी इस तरह से देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे इस वाले कॉलम पे ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देखिए आप चाहे कोई तीनों में से किसी भी एमसीटी आपकी आते हो तो तीनों का डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म एक जैसा ही आएगा। देखिए अगर आप तीनों एमसीटी नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट दिल्ली लगती है तो अगर आपके तीनों में से कोई सी एमसीटी आती है तो इनका फॉर्म सब एक जैसा ही होगा डाउनलोड करने के लिए। सिंपल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको डेथ सर्टिफिकेट कर लेना है। सर्च ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आई सेटिस्फाई वाले कॉलम पे टिक मार्क लगा के सबमिट कर देना है, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, हो गया है आपके घर पे किसी का डेथ सर्टिफिकेट, तो सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ डेट दिख रही होगी, इस पे क्लिक कर लेना है। आपको जिस ईयर उनकी डेथ हुई है तो वो कॉलम आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से यहाँ पे आपको मंथ चूज कर लेना है। उसके बाद डेट डाल देनी है। देखिए डेट आ जाएगी, मेल है फीमेल है वो यहाँ कॉलम आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है उनका नाम डाल देना है। मिनिमम 3 कैरेक्टर भी चलेंगे, अगर आप चाहे तो पूरा नाम भी डाल सकते हैं, मिनिमम 3 कैरेक्टर भी डाल सकते हो। इस तरह जिनकी डेथ हुई है उनके फादर या हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, वो भी इसी तरह मिनिमम 3 कैरेक्टर या फिर आप पूरा नाम भी डाल सकते हो। उसके बाद इट इज सर्टिफाइड डेट आई एम वाले कॉलम पे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है। चलो मैं पूरा कॉलम भर के आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये कॉलम पूरा भर दिया है। आप आई एस सर्टिफाई पे जाके सबमिट का बटन दबा देना है। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिए, उनका नाम आ जाएगा, जिनकी डेथ हुई उनके फादर का नाम भी आ जाएगा, यहाँ एड्रेस भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेट नेम डाल देंगे, जिनके नाम ये डेथ सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जिस सर्टिफिकेट है वही आपको यहाँ डाल देना है। तो सिंपल आपको ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इस तरह यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर देना जो आपका यहाँ नीचे लिखा होगा। ये ऑनलाइन का ऑप्शन बटन दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये वीजा या मास्टर कार्ड, इन दोनों में से किसी एक कार्ड को लेता है तो मैं वीजा कार्ड से पेमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड डाल देना है, यहाँ लास्ट में CVV लिखा है वो डाल देना है। उसके बाद पे नाउ का बटन दबा देना है। पे नाउ का बटन दबाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का बटन दबाने के बाद कुछ सेकंड बाद अपने आप अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ देखिए पेमेंट है सक्सेसफुल अप्रूव्ड, तो यहाँ देखिए यहाँ स्लिप भी आ जाएगी। यहाँ सिंपल आपको यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पे बटन पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए जो आप डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते थे वो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड हो चुका है। तो आपके दिल्ली में कोई सी MCT लगती है उनका इस तरह से आप डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।